हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने 4.5 साल के शासनकाल में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए हैं, उनके नाम पर जनता भाजपा को वोट देगी। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में नौकरियों की बोली लगती थी, लेकिन उन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश पूरे विश्व में महाशक्ति होकर उभरा है। आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं। इसको मजबूत करना, देश को सुरक्षित रखना, देश को अखंड रखना, इस मामले में हमारे देश के नौजवान, हरियाणा के नौजवान खास करके इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं कि हमारी आबादी भले ही देश की 2% हो, लेकिन हरियाणा में हमारी जो रक्षा सेनाएं हैं, डिफेंस फोर्सेज हैं, उसमें 10% की भागीदारी हमारी है मित्रों, 10% की। पूर्व सैनिकों का यह प्रदेश, नरेंद्र मोदी जी कितने सेंसिटिव हैं, कितने उनके मन के अंदर देश के प्रति भाव हैं, उसका एक उदाहरण बताता हूं कि जब 2013 के अंदर रेवाड़ी में रैली उन्होंने की, अभी वो प्रधानमंत्री बने रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमारा पूर्व सैनिक, ये जो सैनिक देश की रक्षा करता रहा, इसकी एक मांग वन रैंक वन पेंशन कांग्रेस ने 30 साल से नहीं मानी है और हम उसको अभी घोषणा करते हैं कि सरकार आने के बाद उसको मानेंगे। 35,000 करोड़ रुपया तुरंत वन रैंक वन पेंशन में आते ही उनको दिया। इस मौके पर जब पूर्व विधायक और दलित नेता को बोलने का मौका नहीं दिया तो वे स्टेज पर ही फूट फूट कर रोने लगे, जो पूरी रैली में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि ये रैली रामरतन के क्षेत्र में ही आयोजित की गई और उन्होंने होडल से भाजपा की ताकत पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, जब मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक और दलित नेता रामरतन के स्टेज पर रोने की बात कही कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि सांसद और उनके स्वयं बोलने के बाद कोई औचित्य नहीं होता, समय कम था इसलिए उन्हें नहीं बोलने दिया गया। अब उन्होंने पूर्व विधायक को समझा दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। वो ये कहते हैं कि भी समय कम था, तो मैंने ये कहा था कि भी हमारे आने से पहले जितने लोग बोल लेंगे बोल लेंगे, लेकिन बाकी लोग उस समय इतने ज़्यादा समय लग गया कि उनको बोलने का मौका नहीं मिला। मैंने कहा भी कोई नहीं, उनके बारे में मैंने जो कुछ बताना था बताया सारा, तो इसलिए कोई ऐसा विषय नहीं है, बोलने के लिए 2-4 मिनट मिल जाते और तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अगर पहले बोल लेते बाद में तो सांसद जी और मेरे बोलने के बाद तो संभव नहीं होता।